तो हेलो फ्रेंड्स, आज फिर आपका वेलकम है एक्स लुकअप के दूसरे पार्ट टू वाले वीडियो में। आज इस वीडियो में हम एक्स लुकअप का पार्ट टू आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और इधर आपको पता चलेगा कि एक्स लुकअप को हम दो टेबल से किस तरह से लुकअप करके ला सकते हैं अपने डेटा के लिए। तो आज का जो वीडियो है ये पार्ट टू है एक्स लुकअप पे। इस पे मैं ऑलरेडी पार्ट वन बना चुका हूँ और उससे पहले मैं एक्स लुकअप को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरह से जो है एक्स लुकअप फंक्शन काम करता है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, उसके जो सिंटैक्स में आने वाले जो कंपोनेंट है वो किस तरह से काम करते हैं। तो आपको वो पूरी वीडियोज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएंगी, वहाँ से जाके आप उनको देख सकते हो। तो आज का वीडियो भी एक्स लुकअप पे होने वाला है, तो प्लीज़ यार वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल कॉम्प्यूटर। तो दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं आगे। जैसे कि मैंने बताया, मैं आपको एक्स लुकअप के बारे में बताने वाला हूं। इससे पहले दो वीडियोस तीन वीडियोस में बना चुका हूं, वो भी आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आज के वीडियो में जो हम टेबल यूज़ करने वाले हैं वो कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड है। दो लिस्ट है मेरे पे अलग अलग और दोनों लिस्ट में पहली लिस्ट का लुकअप अलग होगा, दूसरी लिस्ट का अलग होगा और इस तरह से हम उनको कंबाइन करके अपने रिजल्ट की तरफ जाएंगे। कैसे होगा ये सब जानने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो लीजिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर वापस और अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं डबल एक्स लुकअप का पार्ट टू। आज के वीडियो में भी हमारे पास दो टेबल है जहाँ पे हमें अलग अलग सर्च करने होंगी दो अलग अलग चीज़ें और उसके बाद उन दोनों टेबल के रिजल्ट को मिलाकर हमें एक आंसर मिलने वाला है। कैसे, चलिए देखते हैं अपने टेबल में। सबसे पहले आपको डाटा बता देता हूँ किस तरीके का डाटा है मेरे पास। आप यहाँ देख सकते हो ये एक प्रोडक्ट की लिस्ट है जहाँ पे मैंने अपने प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट आईडी दे रखी है, ठीक है। जैसे कि शर्ट पैंट शूज टाई, उनको एक प्रोडक्ट आईडी दी है P1 P2 P3 और P4। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग उनकी एक प्राइस लिस्ट बनाई है कि P1 का जो प्रोडक्ट है उसका कितना प्राइस है, P2 का प्राइस कितना है, P3 का प्राइस कितना है और P4 का प्राइस कितना है। इस तरह से उनकी एक प्राइस लिस्ट बना रखी है। लेकिन अब जब देखेंगे, जब मैं यहाँ पर रिजल्ट निकाल रहा हूँ तो मैं प्रोडक्ट आईडी से रिजल्ट नहीं निकाल रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट के नाम से रिजल्ट निकाल रहा हूँ। लेकिन जो टेबल हमने बनाई है वो प्रोडक्ट आईडी से बना रखी है कि आईडी के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट हमने कितनी रखी है। तो इस तरह से सबसे पहले इस प्रोडक्ट की क्या आईडी है वो मेरे को यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा, उसके बाद उस प्रोडक्ट की आईडी से मेरे को उसकी कॉस्ट सर्च करनी पड़ेगी और ये सब चीज़ होनी चाहिए एक ही फॉर्मूले से। तो इसलिए हम यहाँ पर एक्स लुकअप को यूज़ करने वाले हैं डबल तरीके से ताकि हमें आंसर जो है वो यूनिक मिल सके। कैसे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इस शर्ट वाले प्रोडक्ट से यानी प्रोडक्ट नेम से हमें प्रोडक्ट आईडी सर्च करनी है, तो सबसे पहले हमें वो करना होगा। तो यहाँ पर मैं नीचे इस फॉर्मूले को टाइप कर लेता हूँ, इक्वल टू एक्स लुकअप, ये हमने एक्स लुकअप लिया, लुकअप वैल्यू है हमारी प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, यानी कि शर्ट ए कोमा लुकअप अरे आ गया। लुकअप अरे यानी ये वाली वैल्यू कहाँ पर सर्च करनी है, किस टेबल में सर्च करनी है, तो वो सर्च करनी है इस टेबल में, ये वाली टेबल है वो कोमा। रिटर्न अरे यानी कि रिजल्ट में आपको क्या वैल्यू चाहिए वो, तो वो वैल्यू होंगी ये प्रोडक्ट आईडी। यानी जब शर्ट ए को वो इस टेबल में सर्च कर लेगा तो उसके अगेंस्ट में रिजल्ट में हमें बता देगा कि उस शर्ट की क्या प्रोडक्ट आईडी है, तो वो प्रोडक्ट आईडी है P1, ठीक है। तो देखिए आंसर में जैसे ही हम इसको क्लोज करके एंटर करेंगे तो हमें P1 रिजल्ट में मिल गया। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ ऊपर शर्ट ए के सामने जहाँ पर हमें आंसर अपना चाहिए, यहाँ पर मैं लगाता हूँ एक्स लुकअप और एक्स लुकअप में आपको लुकअप वैल्यू क्या देनी है, P1 देनी है। तो मैं यहाँ P1 अभी टाइप कर रहा हूँ मैनुअली, P1, ठीक है, P1 मैंने टाइप किया लेकिन P1 तो कॉलम हो गया, तो P1 को ना मेरे को डबल ब्रैकेट में देना पड़ेगा ऐसे, लुकअप अरे। तो लुकअप अरे देखिए लुकअप अरे है नीचे यहाँ पे, यानी कि उस P1 को वो यहाँ इस वाली वैल्यू में सर्च करेगा, इस वाली टेबल में सर्च करेगा।
और सर्च करने के बाद उसके अगेंस्ट में मुझे रिजल्ट में मिलेगी ये टेबल, ठीक है। और मैं जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे को 300 मिल गया है। लेकिन यहाँ पे छोटी सी दिक्कत ये है कि हम हर बार रिजल्ट में जाके P1 ऐसे या P2 टाइप नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हो जो नीचे वाला फॉर्मूला है वो मेरे को ऑटोमेटिक P1 सर्च करके दे रहा है, और यहाँ पर इस फॉर्मूले में P1 जो है मेरे को मैन्युअली डालना पड़ रहा है जाकर खुद से, तो बहुत लेंथी काम हो जाएगा। तो क्यों ना मैं ये फॉर्मूले को ही काम दे दूँ, ये वाला P1 सर्च करके और डालने का। तो देखिए आप, ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम P1 की जगह पे इस फॉर्मूले को पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला आपको प्रोडक्ट आईडी सर्च करके दे रहा है। तो अब आप देख सकते हो हमारा जो एक्स लुकअप है वो दो दो बार काम करेगा। जो अंदर वाला एक्स लुकअप है जो अभी हमने पेस्ट किया है, वो वाला एक्स लुकअप तो प्रोडक्ट आईडी अंदर इधर से सर्च करके हमें बताएगा कि जो प्रोडक्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं उसकी प्रोडक्ट आईडी क्या है, वो बताएगा उसको P1 है, P2 है या P3 है। और जब ये वाला एक्स लुकअप आपको P1, P2 और P3 बता देगा, फिर वो P1, P2, P3 नीचे वाली इस टेबल में आके सर्च होगा, यानी B9 से B12 तक, यहाँ तक। जब इसमें सर्च कर लेगा वो, और रिजल्ट में उसको क्या चाहिए, C9 से C12, यानी इधर वाली वैल्यू उसको रिजल्ट में चाहिए, 9 से 12 तक की ये वैल्यू। तो इस तरह से वो वैल्यू मैच करेगा, P2 है तो 800 दे देगा, 3 है तो 900 दे देगा, और ये फॉर्मूला काम करेगा। तो आप जैसे ही एंटर मारोगे आपको देखो रिजल्ट मिल जाएगा 300। अब हम इसको वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। हम यहाँ लिखते हैं TIE Z। तो आप देख सकते हो 200 रुपीज़ जो हमारा यहाँ पर P4 की जो वैल्यू है, 200 रुपीज़ वो हमें मिल गई है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा। तो आपने देखा एक्स लुकअप को किस किस सिनेरियो में हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है। इसकी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके लुकअप वाली वीडियोस देख सकते हैं। लुकअप पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, उस सेक्शन में जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये था पूरा वीडियो जिसमें आपने देखा कि किस तरह से हमने प्रोडक्ट नाम को सर्च करके प्रोडक्ट आईडी को निकाला, और फिर प्रोडक्ट आईडी से प्रोडक्ट कॉस्ट को निकाला। यानी कि पहले नेम से आईडी सर्च हुई, पहला लुकअप वहाँ पे काम कर रहा है, और फिर उसके बाद आईडी के थ्रू हम प्रोडक्ट कॉस्ट पे गए तो दूसरा लुकअप वहाँ काम कर रहा है। इस तरह से हमने दोनों लुकअप को मैच करके एक लुकअप बनाया, और इसी को हम बोलते हैं नेस्टेड एक्स लुकअप फंक्शन, या आप इजीली सिंपल लैंग्वेज में इसको डबल एक्स लुकअप भी बोल सकते हैं। तो ये फंक्शन यूज़ होते हैं एक्सेल में इस तरह से। आपको इस तरह से और भी इस वीडियोस मिलते रहेंगे, उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा, तभी हम आपको लिए लेके आएंगे और भी अच्छे टॉपिक पे वीडियोस। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपकी कुछ क्वेरी है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा मैं उन पर वीडियोस बना के उन क्वेरी को रिजोल्व कर पाऊँ, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, बी सेफ एंड गुड बाय।